आई नो कि आप मेरे बैग DIYs काफी पसंद करते हैं और मैं पसंद करती हूँ इस तरह के मेकअप पाउचेस. मेरे पास काफी सारे मेकअप पाउचेस हैं, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं. सो टुडे आई डिसाइडेड टू मेक अ मेकअप पाउच DIY. सो हाय गाइस, नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंदौरी छोरी में. मैं हूँ निलीशा और आज मैं आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूँ बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा DIY जो कि है राउंड रॉसिंग बैग. इसे आप एज अ मेकअप पाउच भी यूज कर सकते हैं और बैग बनने के बाद में जो मर्जी रख लेना यार, क्या इशू है, क्या दिक्कत है, मेकअप नहीं लगाती तो कुछ और रख लेना. बैग बहुत अच्छा बना है और बहुत अच्छा लग रहा है बनने के बाद में. तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले वो बेल आइकन, सब्सक्राइब बटन और लाइक शेयर सब पता ही आप लोगों को. सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो राउंड रॉसिंग बैग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 मीटर ऑफ कॉटन फैब्रिक. आप किसी भी तरह का कोई भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे कर लेंगे डबल फोल्ड. इसे डबल फोल्ड करने के बाद में एक फोल्ड और कर लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 4 फोल्ड में. अब फोल्डेड साइड वाले कॉर्नर से हाफ सर्कल वाइज मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे. मैं यहाँ 14 इंच पे मार्क कर रही हूँ. आप इसे अपने फैब्रिक के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं. अगर आपको छोटा बैग चाहिए तो इसे और कम कर सकते हैं, बड़ा बैग चाहिए तो बढ़ा सकते हैं. देन इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे. इन्हें ज्वाइन कर लेने के बाद में इसे कट करना स्टार्ट करेंगे. कट करके ओपन करने के बाद में ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आएगा, फुल सर्कल फॉर्म में. अब इसे साइड कर देंगे और इसके बचे हुए फैब्रिक से स्ट्रैप कट करना स्टार्ट करेंगे. जैसे हम कपड़ों के और ड्रेसेस के नेक और आर्म होल फिनिश करने के लिए बयास स्ट्रिप बनाते हैं, पट्टियाँ कट करते हैं, उसी तरह से हमें पट्टियाँ कट कर लेनी है. यहाँ पे आपको 1.5 इंच वाइड पट्टी कट करनी है बिकॉज ये फोल्ड होके वापस लगेगी. सो एटलीस्ट 1.5 इंच तो लेना ही है. देखो यहाँ मेरे पास इस तरह की लॉन्ग स्ट्रिप आ गई है. अब मैं इसमें अटैच करना स्टार्ट करूँगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फैब्रिक को राइट साइड में फेसिंग करके इस तरह से बिछा लेंगे और इन पट्टियों को भी राइट साइड में रखकर इसके इस कॉर्नर से इसे अटैच करना स्टार्ट करेंगे. एकदम कॉर्नर पर अटैच करना है हमें इसे. मैं यहाँ बीडर पिन के थ्रू आपको बता रही हूँ कि आपको किस तरह से अटैच करना है. ऑल ओवर अटैच करना रहेगा. तो देखो यहाँ मैंने पट्टियाँ अटैच कर ली है. अब इसे इस तरह से अंदर की साइड में फोल्ड करते हुए हमें यहाँ स्टिचिंग देनी है ताकि हम इसमें एक डोरी पास कर सकें. तो स्टिचिंग में इतना गैप रखना कि एक डोरी कोई भी इजीली पास हो पाए. सो यहाँ कॉर्नर पे स्टिच कर लेना है. सो देखो ये पट्टियाँ अटैच करने के बाद में कुछ इस तरह की दिखेगी. यहाँ मैंने बीच में गैप छोड़ा है ताकि इस गैप से हम लोग ड्रॉ स्ट्रिंग पास कर सकें. सो मैं यहाँ इसमें कॉटन हैंडमेड डोरी यूज़ कर रही हूँ. आप यहाँ किसी भी तरह की कोई भी रेडीमेड डोरी भी यूज़ कर सकते हैं, इवन शू लेसेस यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है. डोरी पास कर लेने के बाद में इसे इस तरह से खींचते हुए पोटली काइंड ऑफ शेप बना लेंगे. एंड दैट्स इट, हमारा बैग ऑलमोस्ट रेडी है. यहाँ मैं इस बैग में एक फ्लैप और ऐड करने वाली हूँ. इसके लिए मैंने ब्लैक कलर का कॉन्ट्रास्टिंग फैब्रिक ले रखा है. सो इस फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड करके बिछा लूँगी. इसे फोल्ड करने के बाद में यहाँ से फोल्डेड साइड से 4 इंच पर मार्क करूँगी.
और एक स्ट्रेट लाइन खींचते हुए एक नीचे की तरफ कर्व दे दूंगी। और इसे कट कर लेंगे। तो देखो, इसे कट करने के बाद में हमारे पास फ्लैप दो पीसेस में आया है। अब इनको एक साथ रखते हुए यहाँ यहाँ स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो इसे स्टिच कर लेने के बाद में इसे इस तरह से पलट लेंगे। अब बैक के मेन पार्ट को कुछ इस तरह से बिछाएंगे और बैक के पीछे वाली साइड पे इस फ्लैप को अटैच करना स्टार्ट करेंगे। रिमेंबर, यहाँ सिर्फ पीछे वाली लेयर को अटैच करना है, आगे वाली लेयर को नहीं। और फ्लैप अटैच करने के बाद में हमारा राउंड ड्रॉ स्ट्रिंग बैग रेडी है। सो यहाँ मैं इसमें ऊपर की तरफ एक बटन अटैच करने वाली हूँ। दिस इज टोटली ऑप्शनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।